भाइयों बहनों, विकास की नई ऊंचाइयों पर पार करने का देश प्रयास कर रहा है। जीवन के हर क्षेत्र में विकास की नई ऊंचाइयों को पार करना है। 125 करोड़ देश, इन 125 करोड़ देशवासियों का ताकत आज पूरा विश्व ये मानता है कि दुनिया की बड़ी इकोनॉमी में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला कोई देश है तो उस देश का नाम हिंदुस्तान है। पूरा विश्व आज भारत को गौरव की तरफ देख रहा है। अब हम सब 125 करोड़ देशवासी मिलकर के तय करें, हम उत्तर प्रदेश के नागरिक मिलकर के तय करें, आप देखिए बदलाव कैसा आता है। 1 जुलाई से जीएसटी का प्रारंभ हो रहा है। इस देश के लिए बड़े गर्व की बात है कि इस देश के सभी राजनीतिक दल, इस देश के सभी राजनीतिक नेता कितना ही विरोध क्यों ना हो, इस देश की सभी राज्य सरकारें, केंद्र सरकार मिलकर के एक ऐसा ऐतिहासिक काम करने जा रहे हैं जो 1 जुलाई से देश की अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने आ रहा है। यह अपने आप में बहुत बड़ी सिद्धि है, भारत के फेडरल स्ट्रक्चर की सिद्धि है, भारत के राजनीतिक दलों की मैच्योरिटी की सिद्धि है। दल से ऊपर देश, ये हिंदुस्तान के सभी राजनीतिक दलों ने दिखा दिया है। मैं सभी राजनीतिक दलों का आभारी हूं, मैं सभी राज्य सरकारों का आभारी हूं, मैं सभी विधानसभाओं का आभारी हूं, लोकसभा का, राज्यसभा का आभारी हूं। सबने मिलकर के इस जीएसटी लागू करने के लिए प्रयास सफलतापूर्वक किया है और मुझे विश्वास है कि 1 जुलाई के बाद नागरिकों के सहयोग से, खास करके छोटे मोटे व्यापारियों के सहयोग से हम सफलतापूर्वक जीएसटी में आगे बढ़ेंगे, तब दुनिया के लिए बहुत बड़ा अजूबा होगा कि इतना बड़ा देश इस प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता है। भारत के लोकतंत्र की ताकत का पहचान होगी दुनिया को कि इस देश के सभी दल, सभी भिन्न भिन्न विचारधारा वाले दल देश हित में कंधे से कंधा मिलाकर के कितना बड़ा फैसला करते हैं, ये दुनिया के सामने एक अजूबा की तरह दिखने वाला है। ये भारत के लोकतंत्र की ताकत है, भारत के लोकतंत्र की मैच्योरिटी की ताकत है, भारत के लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की लीडरशिप की मैच्योरिटी की ताकत है कि संभव हुआ है। और इसलिए इसकी क्रेडिट न मोदी को जाती है, न एक सरकार को जाती है, ये 125 करोड़ देशवासियों को जाती है, भारत की मैच्योर लोकतंत्र को जाता है, देश के सभी राजनीतिक दलों को जाता है, देश की सभी विधानसभाओं को जाता है, लोकसभा और राज्यसभा को जाता है। अब इतना बड़ा काम हुआ है, हम उसे समझे, कठिनाइयां हैं तो सरकार ने सारी व्यवस्था की है, इन कठिनाइयों को दूर करने के पूरे प्रयास जारी रहेंगे, लेकिन एक सफल यात्रा और अधिक अच्छी तरह सफल हो उसके लिए 1 जुलाई से सभी देश के, विशेष करके व्यापारी कौन, ये उसको अपने कंधे पर उठाएं, 2 कदम आगे चले और सरलतापूर्वक उसको पार करने में देश का नेतृत्व ये हमारे व्यापारी आलम करें और करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।